डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीड टेक्नोलॉजी सेकंड के एमसीक्यूज जो 6 सेम स्किल कोर्स में आता है। और ये जो एमसीक्यूज हैं, ये आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट जो है वो मिल सकता है आपको उल्फत स्टेशनरीज कुलगाम से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है द रेंज ऑफ वायरसेस इज इन द साइज़ फ्रॉम 400 to 1000 नैनोमीटर रहता वो उसका साइज़। उसके बाद में सैंडल स्पाइक डिजीज ऑफ सैंडल इज़ कॉज ड्यू टू, वो होता है माइकोप्लाज्मा की वजह से। उसके बाद में विच क्वेश्चन 3 है, विच स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज फाउंड इन ऑल वायरसेस, तो वो रहता है कैप्सिड, जो कैप्सोमियर्स का बना हुआ रहता है। उसके बाद में द परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेक्टोट्राइकम फलकेटम कॉजेज रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज, तो उसके लिए बी ऑप्शन है ग्लोमेरुला टू केमेनेंसिस, जो भी है वो पढ़ लो आप। उसके बाद में फिफ्थ जो क्वेश्चन है, ए केमिकल कंपोनेंट दैट इज़ फाउंड इन वायरसेस, तो वो रहता है प्रोटीन, प्रोटेक्टिव लेयर उनकी। उसके बाद में वाइट ब्लिस्टर्स ऑफ क्रूसीफर्स इज़ कॉज्ड बाय ए पैथोजन, तो वो होता है अल्ब्यूगो कैंडिडा की वजह से, उसकी वजह से वाइट ब्लिस्टर्स आते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कॉमन पॉलीहेड्रल कैप्सिड शेप ऑफ वायरसेस, तो वो रहता है आइकोसोहेड्रॉन, जैसे ट्यूटोफाजेस वगैरह में रहता है। तो उसके बाद में इन्फेक्शन ऑफ स्मट ऑफ मेज यूस्टिलेगोमाइडिस अकर्स ड्यूरिंग, तो वो होता है वेजिटेटिव स्टेज के दौरान, वेजिटेटिव स्टेज इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में व्हाट टाइप्स ऑफ वायरसेस कंटेन एंजाइम आइसोजाइम टू एड इन देयर इन्फेक्शन, दैट इज बैक्टीरियोफॉज। तो उसके बाद में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज डाइजेस्टिव डिजीज, तो वो है सॉइल बोर्न डिजीज। उसके बाद में विल्ट ऑफ पिजन पी इज कॉज्ड बाय, तो वो होता है फ्यूसेरियम यूडम से, इसके लिए बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आरएनए वायरस, तो यहाँ पे रेट्रोवायरस, एंटीरोवायरस, रेबिडोवायरस, उसके बाद में उसका जो सही ऑप्शन है वो है एडिनोवायरस, जो वो आरएनए वायरस नहीं रहता। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, दी निमेटोड्स आर, निमेटोड्स क्या रहते हैं, तो वो रहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो उसके बाद में बैक्टीरियल सेल्स डिवाइड मेनली बाय, तो वो होते हैं बाइनरी फिशन की वजह से डिवाइड होते हैं। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेज इज, तो उसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है मैग्ना पैथोजेनेसिया। उसके बाद में पेरिनोस सुपोरेपिसी क्या है, ये है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी इज कॉज्ड बाय, तो पेरिनोसुपोरेपिसी है ये, यानी ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद में ब्लैक हार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो वो कहाँ पे होता है, वो पोटैटो में होता है, तो इसका सही ऑप्शन पोटैटो है, सी। उसके बाद में स्टोरेज फंजे दैट इफेक्ट द फूड ग्रेन इज, तो वो है एस्परजिलस। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट्स इज बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, तो वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी, तो इसके बाद में यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, विच पेनिसिलियम स्पीशीज यूज्ड इन चीज़ मेकिंग ये, तो उसके लिए पेनिसिलियम रोक्यू फोर्टी ने बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ पोटाश इंक्रीजेस, तो वो इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स। तो उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे वायरसेस कंटेन आरएनए डीएनए, बोथ आरएनए डीएनए, तो आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ, ये सही है।
या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं होंगी। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, सिलेक्ट दी नेमेटिसाइड्स ग्रुप विच आर नॉन फ्यूमिगेंट इन नेचर। तो उसके लिए एल्डिकॉब एंड फोरेट, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद में प्यूटोलोनियन, ये क्या है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ बंची टॉप ऑफ बनाना इज ट्रांसमिटेड बाय। तो इसके लिए ए ऑप्शन सही है, ये आपको मालूम होगा क्या है ये लंबी टर्म है। उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक टू प्लांट एट और एबो, तो ये होता है 0.3 टू 0.5 ppm लेवल के ऊपर, यानी इस लेवल, इस क्वांटिटी के ऊपर अगर ये चला गया तो वो टॉक्सिक हो जाता है प्लांट के लिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डैम्पिंग ऑफ ऑफ लीफ ब्लाइट्स आर वेरी इफेक्टिवली चेक्ड बाय, तो वो बॉडी, उसके लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सही चीज़ है जो इसको ये कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में यौन शिमलिंग एंड कुलका फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट द सिस्टमेटिक एक्टिविटी ऑफ फंजिसाइड्स इन, तो वो उन्हें किया था वो 1966। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे डायनोकैप मिथाइल हेप्टाइल डाइनाइट्रोफिनाइल क्रोटोनेट इज सोल्ड इन, तो ये कहाँ पे कैसे बेचा जाता, तो उसके लिए कैराथेन सही ऑप्शन है, या मार्केटेड एज जो है कैराथेन, ये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, एक मिनट। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन छोड़ ही दो। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सेल फंजी, तो यीस्ट रहता है सिंगल सेल फंजी। उसके बाद में लूज समट ऑफ वीट इज, दैट इज इंटरनली सीड बोन। उसके बाद में लूज समट ऑफ बैरली इज, तो वो रहता है इंटरनली सीड बोन, ये भी रहता है इंटरनली सीड बोन। उसके बाद में स्टेम गॉल्स ऑफ कोरिएंडर इज कॉज्ड बाय, तो दैट इज प्रोटोनिजिस्मा क्रॉप क्रॉसपोरस। उसके बाद में द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एंसिफिगर रेमिनीज स्पीशीज ट्राइटिसी प्रोड्यूसेस, तो उसके लिए बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। उसके बाद में द बैक्टीरियल कॉलोनी इज नोन एज, उसको कहते हैं ऊज। द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस टिपिकली बाई न्यूक्लिएट माइसिलियम एंड मेनली फंक्शन एज रिपीटिंग स्पोर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ रस्ट डिजीज इन वीट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूरिडियो स्पोर्स। उसके बाद में प्लाज्मोडायफोराबेसी ब्रेसी जो कॉजेज, तो क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय, तो रेजिंग पीएच ऑफ सॉइल, यानी अल्कलाइन कर देना सॉइल को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पे दिख रहा है, लीफ स्पॉट ऑफ टिका डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज कॉज्ड बाय, तो वो होता है बोथ ए एंड बी, यानी ये ऊपर के दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद में फंजे एंड प्लांट डिजीज वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी ये बुक, तो ये जी रंगास्वामी ने लिखी थी। उसके बाद में हु डिस्क्राइब्ड द फर्स्ट प्लांट नेमेटोड डिजीज दिस सीड गॉल कॉज्ड बाय एंगुला ट्राइटी इन 1743 एडी, तो वो था निधम, इन्हें सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 देखो, द एडजेसेंट सेल्स ऑफ द सेम फंगल हाइफा brought into communication with each other by means of loops is known as, तो वो होता है clamp connection, उसका सही ऑप्शन। उसके बाद में downy mildew of bajra is caused by, वो होता है due to S. grantinicola, यानी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में organo mercurials fungicides used for dry seed treatment,
यूजुअली कंटेन वन मर्करी, तो वो रहता है इसका जो सही ऑप्शन है वो 1%, यानी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में यहाँ पे हु एडवांस द जीन फॉर जीन कंसेप्ट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेबिलिटी इन 1946, तो वो था फ्लोर, यानी ए ऑप्शन सही है। उसके बाद में इन यूरिडिनल्स रस्ट फंजे बैसीडिया यूजुअली बियरिंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बैसीडियो स्पोर्स, तो उसके लिए ऑप्शन है 4, यानी 4, यानी बी पार्ट सही ऑप्शन है। व्हेन प्लांट शोड द पार्शियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑल द रेसेस ऑफ पैथोजन देन इट इज़ अ टाइप ऑफ हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस, कहते हैं इसको हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। उसके बाद में द ब्लैक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो स्पेशली कन्फाइंड टू दार्जिलिंग हिल्स इज कॉज्ड बाय पैथोजन, तो सिंचिट्राइमीडियो जो भी है ये ए ऑप्शन, ये पढ़ लेना क्या है ये। उसके बाद में बैक्टीरिया विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजेला ऑल ओवर द सेल इज कॉज्ड इन, सो इज कैटेगराइज्ड इन, तो पेरिट्राइकस डी ऑप्शन सही है, पेरिट्राइकस। उसके बाद में जो 36 क्वेश्चन है, द रस्ट फंजे कंप्लीटिंग दियर लाइफ साइकिल ऑन वन होस्ट आर कॉल्ड, उनको हम कहते हैं हेटेरोशियस, तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में डिजीज एरगोट ऑफ राई प्रोड्यूसेस स्क्लेरोशिया इज कॉज्ड बाय, तो वो होता है क्लेवाइसेप्स स्पाइरूरिया, क्या है ये ए ऑप्शन सही ऑप्शन है ये, ठीक है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द अटैक ऑफ फुट रॉट ऑफ पपाया इज 36 डिग्री, विच टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफ क्या होगा, विच टाइप ऑफ सपोर्ट ऑफ प्यूसिनिया ग्रेमिनी सिट्रिसी इनफैक्ट द बेरी बेरी प्लांट, तो इसको बेसिडियो स्पोर्स सही ऑप्शन है इसका, यानी डी। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया, तो इज ए बटलर सही ऑप्शन है। विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन वॉज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम, इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम बिहार। द रस्ट ऑफ लिनसीड एंड फ्लैक्स कैन बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाई द स्प्रे ऑफ, तो बोरेक्स की वजह से ये कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 1943 बंगाल हैड फेस्ड सीरियस फेमाइन विच कॉज्ड अ ग्रेट लॉस इन रिच यील्ड वॉज कॉज्ड बाई, तो ये था ये, इसके लिए ए ऑप्शन सही है यहाँ पे दिया गया। विच जीनस ऑफ निमेटोड्स हैज स्पेशल टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर यहाँ पे नहीं है। नर्व सेल सिस्टम्स विच सर्व एज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रंट्स टू द निमेटोड्स, तो उसके लिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, फॉर द फर्स्ट टाइम हु रिपोर्टेड दैट द प्लांट डिजीज फुल फायर ब्राइट वॉज कॉज्ड बाई ए बैक्टीरियम इन 1982, तो ये दिया था टी जे बुरिल ने। उसके बाद में मेजर जीन्स कंट्रीब्यूटिंग डिजीज रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ, तो वर्टिकल रेजिस्टेंस। उसके बाद में अल्ब्यूगो कैंडिडा कॉजेज वाइट ब्लिस्टर्स और वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफोर्स इज एन, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। उसके बाद में फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो विच फंजेसाइड इज मोस्ट सूटेबल, तो उसके लिए डाइथेन मॉस MS। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 जो है, फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पी शुड बी, तो सोर्गम
इसके लिए सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, शुड बी इंटरप्रेटेड विद सोरगम। ठीक है, विच एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई फ्लेमिंग इन 1929? तो उसने दिया था पेनिसिलिन, ये सबको मालूम है। उसके बाद में क्वेश्चन है, ईयर कोकल डिजीज ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय? तो इनके यहाँ पे ऑप्शंस नहीं, तो मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो फिलहाल आज यहीं तक, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।